सेना के कर्मचारियों का दर्द ये समझ नहीं सका देश, वो देश नामर्द है, बेशरम है। हिंसक नेता पैदा करते हैं माधवचोद, इसीलिए तुम लोग हो भोसड़ी वाले। ये BSNL के बर्बाद सरकार गांडू जनता माधवचोद नेता जनता है भोसड़ी वाला के पत्रकार नेता। 1 लाख पाने वाला अधिकारी अपना सारा पेंशन साला कर्मचारियों पे छोड़ देता है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी की बिल्डिंग भी डूब गई। जिस देश को पता नहीं विकास की परिभाषा क्या होती है, जिस देश को पता नहीं विकास की परिभाषा क्या होती है, ये विकास नहीं विनाश है माधवचोद। कब समझोगे तुम लोग गांडू साले। ऐसे जितने माधवचोद हो, 1000 रुपया कमीशन ले, इतना कमीशन खोरी करते सबको। मैं बता रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। HM हर्बल रांची। इस टीम ने एक गाय को बचाया, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से, पूरे ध्यान से ये वीडियो देखिए और सोचिए आपको क्या करना चाहिए। किसी भी आपदा के लिए पूरी तरह से ये देश तैयार नहीं है। बारूद, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। बस एक चिंगारी और सब कुछ खत्म। जिसका जमीर जिंदा है, जिंदा ना हो, जिसका जमीर मर जाए वो मुर्दा समान होता है। आज पानी, पूरे प्रदेश में बारिश हुई है मूसलाधार जबरदस्त, और आजमगढ़ के 20% लोग के आसपास घरों में पानी घुस चुका है। परेशानी क्या है, क्यों ऐसा होता है, बस आप कारण लिख देंगे और कारण लिख देने से, अखबार में छप जाने से, खबर बन जाने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। किसी भी समस्या के लिए देश तैयार नहीं है, और जब ऐसी परेशानी आती है आपका कोई अधिकारी कोई नेता, पूरा सरकारी सिस्टम सड़क पे होना चाहिए था। अब तक 40,000-50,000 जो भी तुम कमीशन खोरी करते हो, घुसखोरी करते हो, बेईमानी करते हो, 75 सालों से या सदियों से इस देश ने कुछ नहीं कहा। तुमने इस देश को खोखला कर दिया सरकारी सिस्टम ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अगर परेशानी है, विपत्ति है, समस्याएं हैं, तो बात करने से, मीडिया में दिखाने से, चर्चा करने से वो समस्याएं नहीं खत्म होंगी। इस देश के लोग किसी भी समस्या के लिए तैयार नहीं है। 1 रुपया खाता नंबर में दे रहा हूं, 1 रुपया आप लोग कम से कम 2 रुपया दीजिए, आज से शुरू करिए, रोज दीजिए, चाहे महीने में दीजिए। मैं 500 मर्द खोज लूंगा और 500 से 5 लाख पैदा करूंगा 12 महीने में। मुझे 12 महीना समय चाहिए भारत की धरती पर, उसके बाद या तो चमत्कार कर दूंगा या मारा जाऊंगा। चर्चा करो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि राजीव तलवार सच्चा है तो मेरी बात मान जाइए, दोस्तों को उत्साहित करिए, और अगर लगता है गलत है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मेरे विरोध में लिखिए। देर करने से कोई फायदा नहीं है। और ग्रीनलैंड में मकान नहीं बनना चाहिए। पूरे देश में जो विकास प्राधिकरण है एकदम निष्क्रिय है, ठीक उसी तरह से जिस तरह देश के सारे विभाग मरे हुए हैं, इनको सिर्फ पैसा से मतलब है। अरे साले, कितना पैसा कमाओगे, कहाँ लेके जाओगे, कितना पैसा अपनी गांड में डालोगे तुम लोग हरामखोरों, कुत्तों, कमीनों, बेशर्मों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अबे सरकारी कर्मचारी को इतना पैसा मिलता है कि पूरी जिंदगी आराम से वो काट सकता है। बेईमानी उसको करना चाहिए जो महीने में 5,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, लेकिन वो बेईमानी नहीं करता है, वो बेईमानों को बर्दाश्त करता है। देखिए वीडियो, दिमाग लगाइए आपको क्या करना चाहिए था। और आप अगर 1 रुपया भी ना दे सकते हमें, तो कम से कम लाइक या डिसलाइक जरूर करिए, देर मत करिए। एक भी अधिकारी का नाम बताइए जो सड़क पर आया हो, मुझे कोई अभी दिखा नहीं है, 1 घंटे से मैं सड़कों पर हूं। और जो भी लोग किसी की मदद कर रहे हैं इन परेशानियों में, वो हैं असली भगवान।
देखिए वीडियो। एक कौन सी गलती कहाँ हो रही है कि ये पानी निकल नहीं पा रहा है? जितने मेन नाले हैं उसके हाँ। सारे पे अतिक्रमण हो चुके हैं और एक लाल यहाँ शहर के जितने भी मेन नाले हैं, जैसे एक प्रमुख नाला आपका लाल डिग्गी से लेके और रोडवे साइफन तक, ये पूरी तरह से कच्चा है। इसको निर्माण कराने की आवश्यकता है और पक्का होना चाहिए। और जितने भी कच्चे नाले हैं उसके प्राइवेट लोगों ने अपने मकान बना के यहाँ की जनता ने। सभासद नवकर पालिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश आते हैं हमें चुनाते हैं कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। जिस देश के सेना के कर्मचारियों का दर्द ये समझ नहीं सका देश, वो देश नामर्द है, बेशरम है, बेहरा है। उल्लू टीवी देखिए, यह देश गुलाम है। इस देश को अगर कोई आजाद करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजीव तलवार, भगत सिंह, राजगुरु, सिखदेव का असली बेटा। आप ही नहीं, इस देश की सारी बंदूकें गुलाम है। 5 बार जेल भेज के प्रशासन ने राजीव तलवार को आतंकवादी बना दिया है। इस वर्दी का सम्मान खत्म हो गया। 500 पुलिस कर्मियों के सामने बिना गलती के एसपी साहब ने राजीव तलवार को कोतवाली में बैठा दिया। माता चौथ तनख्वाह हम देते हैं और तुम एसपी की गुलामी करते हो भोसड़ी वाले। तनख्वाह माता चौथ हम देते हैं, देश देता है, और गुलामी भोसड़ी वाले एसपी डीएम नेता की करते हो माता चौथ। इस देश की जनता गांडू है माता चौथ, नपुंसक है साले, नपुंसक अधिकारी, नपुंसक नेता पैदा करते हैं माता चौथ। इसी लायक तुम लोग हो भोसड़ी वाले। ये बीएसएनएल के बर्बादी का जिम्मेदार कौन? डाकखाना, सरकार, गांडू जनता, माधवचोद। नेता, अधिकारी, पत्रकार कौन पैदा करता है? 135 करोड़ जनता ना जी। तो माधवचोद गांडू जनता है भोसड़ी वाला की? पत्रकार, नेता, जैसा बाप होगा बाप साला कायर है, गधा है माधवचोद, तो बेटा कैसा होगा, औलादे कैसी होंगी माधवचोद? तुम लोग भोसड़ी वाले, तुम राजीव तलवार को पहचान नहीं पाते हो और बात करते हो मंदिर और मस्जिद की माधवचोद। जितना पुलिस वाले हो शर्म आनी चाहिए। 500 पुलिस कर्मियों के सामने एसपी ने मुझको भेज दिया कोतवाली। तुम ताकते रहोगे माधवचोद, भोसड़ी वाले करोगे क्या माधवचोद गुलामी? कोलघाटन पूरा इतना पानी लगा हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें पानी लगा। ऐसी स्थितियों में देश का एक भी अधिकारी बाहर नहीं निकलता है। देश के अधिकारी नेता बाहर निकले और देखो कहां क्या है परेशानी। देख, इस तरह के गड्ढों से खतरा हो सकता है। सबसे मूर्ख जानवर मनुष्य ने सबकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दुनिया का सबसे हरामखोर जानवर मनुष्य है, ये तय हो चुका है। सुधरो हरामखोर। स्कूल, इस देश को स्कूल नहीं चाहिए, इस देश को अध्यापक नहीं चाहिए, इस देश को डीएम और नेता नहीं चाहिए, इस देश को शेर चाहिए, मर्द चाहिए जो समस्याओं से लड़ सके। गाय उठ नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही, लेकिन उठ जाएगी। पूरा आजमगढ़। एक मिनट, एक बात ये बताइए, एकदम पूरे देश और दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर ये परिस्थिति पैदा हो रही है तो गलती कहाँ हो जा रही है? गलती सबसे ज्यादा सरकार की, सरकार को पहले सोचना। अपनी 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 कमी नहीं दिखेगी लोगों को, खाली सरकार की कमी, खाली सरकार की कमी। भैया क्या लग रहा है, कहाँ गलती हो जा रही है? गलती कहीं ना कहीं तो प्रशासन की है पहले से। अच्छा ये बताइए, एक एक दो बच्चों का परिवार, दो बच्चों का परिवार लोग कायदे से पाल नहीं पाते हैं, संस्कार नहीं डाल पाते हैं, अनुशासन में नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश, एक लेकिन एक व्यवस्था को चला। अरे छोड़िए, कहाँ गलती हो जा रही, क्यों? सब सरकार की गलती है, सब सरकार की गलती है। चलिए, जनता अपना काम की है। अंधे लोगों को सच पता ही नहीं। क्या लगता है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए? सही, बिल्कुल सतर्क है। लेकिन
इतिहास से अपनी गलतियों से ये देश कभी सीखता ही नहीं है। गलत की सही हैं, केवल दूसरों की कमियां देखते देखते पूरी जिंदगी बीत जा रही है। अधिकारी हो, नेता हो, शिक्षक हो, माँ बाप हो, स्टूडेंट हो, हर किसी को अपनी कमी नहीं दिखती है, सिर्फ दूसरों की कमी दिखती है। कहाँ कमियां रह गई, क्यों ऐसा हो रहा है, आप जरूर बताइए। नाले बंद हो गए हैं और क्या? अच्छा, नाला बंद होने से ऐसा हो रहा है? नाला बंद है, सब मकान बनवा लिए हैं नाले पे, यहाँ के पास नाला कोई वही नहीं है, नाला तो कम से कम पूरा पानी। क्या लग रहा है, जब तक पानी निकलने का स्रोत नहीं मिलेगा इसी तरह तो नाला बंद है क्या? बंद है। चलिए, जो भी देख रहा है जरा बताइए, क्या ये जिन्होंने जो कारण बताया सही है? नाला बंद है, अगर तो क्यों बंद है? ये रास्ता विकास भवन की तरफ जाता है और ये देखिए पार्क, जो कि सड़क से ऊंचाई पर है, फिर भी पानी पूरा भरा हुआ है। देखिए, केवल एक आदमी दिख रहा है। और ये देखिए, राजीव तलवार के लिए भगवान बनिए, देर मत करिए। ई रिक्शा डीलर, आइडियल मार्केटिंग, आजमगढ़ रोडवेज, डीएवी डिग्री कॉलेज। देखिए, पड़ोसी से प्यार नहीं, और कहते हैं कि मुझे, हमें गाय से प्यार है, किसी को किसी से प्यार नहीं है, न मोदी से, न मुलायम से, न मायावती से, न कांग्रेस से, सब के सब लालची बेईमान। डीएवी डिग्री कॉलेज की हालत, रैदोपुर। टाइनी टॉट्स स्कूल, ये देखिए, और आंगन में भी पानी भरा हुआ है, आंगन में भी पानी भरा हुआ है। काली चौरा, रैदोपुर। सोचिए क्या होना चाहिए। बेटा, जब जब फंसोगे ना, जब जब फंसोगे तो इसी तरह कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई अधिकारी सड़क पे नहीं आएगा। तुम साले इसी लायक हो, हरामखोर हो, बेशरम और बेहया हो। बुला लो अपने नेता को, अधिकारी को। अमिताभ, शाहरुख, सलमान, विराट, धोनी और राजीव तलवार का अंतर समझने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी आपकी, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। सारा टेंशन आपने ले लिया है, अब क्या किया जाए। 1 लाख पाने वाला अधिकारी अपना सारा टेंशन साला कर्मचारियों पर छोड़ देता है। जब कभी परेशानी आती है तो इस देश का अधिकारी कर्मचारियों को डांटता है। बोलिए, जिम्मेदार तो हर कोई है और जनता। गलत बात का विरोध नहीं होगा तो समस्याएं आएंगी ना। बोलिए, आजमगढ़ में एक एक पार्टी बताइए जो गलत बात का विरोध करती है, किसी भी पार्टी का हो, कोई ऐसा नेता है? कोई गलत बात करती है तो वो नेता है कि नपुंसक है? आई नो योर प्रॉब्लम बट आई हैव नो प्रॉब्लम। डरपोक, माँ बाप की डरपोक औलाद है, सच यही पांडू भोसड़ी वाली जनता। माधव चौध, मोदी, मुलायम, मायावती, योगी की तरह बन के तुम्हारी देश हमारा, परेशानियां हमारी, लोकतंत्र हमारा, समस्याएं हमारी हैं तो समाधान कौन करेगा? बोलिए। जिस देश को पता नहीं विकास की परिभाषा क्या होती है, जिस देश को पता नहीं विकास की परिभाषा क्या होती है, वहाँ की मीडिया, वहाँ का नेता, वहाँ की जनता दिन रात कहती रहती है विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, मैंने ये विकास किया, मैंने वो विकास किया, मैंने, चूतिया साले मूर्ख, पता नहीं लोकतंत्र क्या होता है, पढ़ लिख के 20-25 साल में क्या सीखना है मालूम नहीं। विकास, अबे विकास नहीं विनाश है, अब चर्चा करो, देर मत करो। अगर राजीव तलवार गलत है तो खुल के विरोध करो, और सही है तो समर्थन करो। 45 सालों में जो नहीं हुआ वो आज हो गया। योगी जी का शानदार स्वागत। मम्मी कैसा लग रहा है? हाँ, आ रही हूँ। यस, अरे जाओ उसकी मदद कर। ये विकास नहीं, ये विकास नहीं विनाश है माधवचोद, कब समझोगे तुम लोग गांडू साले। इजूसा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना हर कोई पहन सके, हीरा।